सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हैं येर लेपिड। तो येर लेपिड आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते कुछ जानकारी के साथ फ्रेंड्स। येर लेपिड इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। इज़राइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इज़राइल की राजधानी जेरूशलम है। इज़राइल की करेंसी इज़राइली शेकेल है। इज़राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इज़राइल की संसद का नाम नेसेट है। इज़राइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इज़राइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं, इज़राइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अशोक सोता को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ए आपका आंसर हो जाएगा। हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सोता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, खुशी पटेल ने पुरस्कार जीता है। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, विल स्मिथ ने जीता है। एवेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, डेनिस परनेल को सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, मारियो मार्सेल चिली ने ये पुरस्कार जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, टी राजा कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। टी राजा कुमार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मार्क्स पिलियर का स्थान लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल G7 समूह देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई। स्थापना 1989 को हुई। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। सदस्य देश 39 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है, 2 जुलाई को यह मनाया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को साझा करने के तरीके पर प्रकाश डालना है। थीम बोल्ड ए बेटर वर्ल्ड, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 12 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। विश्व ल्यूपस दिवस 2022 10 मई को मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 8 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है बी ह्यूमन काइंड। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 5 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम रही हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 मनाया गया है 11 मई को, जिसकी थीम रही है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए
सस्टेनेबल फ्यूचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है वह है निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली। सूचकांक में शीर्ष तीन राज्य हैं, फर्स्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश है, सेकंड गुजरात और थर्ड नंबर पर तेलंगाना है। जारीकर्ता डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसके जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन में हुआ है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नाटो के सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। संस्करण 32वां है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। महासचिव इसके हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो यहाँ पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है केतन जी ब्राउन जैक्सन, डी आपका आंसर हो जाएगा। केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। इन्होंने जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लिया है। पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा सिटालेकर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चोसन हुई बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक दिया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहर बेंगलुरु 14वें स्थान पर, हैदराबाद 18वें स्थान पर और दिल्ली 17वें स्थान पर, मुंबई 20वें स्थान पर रहे हैं। सूचकांक में शीर्ष 3 शहरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट पर सिंगापुर, सेकंड सिडनी और थर्ड नंबर पर रहा है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ए आपका आंसर हो जाएगा। UAV अनमैनेड एरियल व्हीकल DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। UAV एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है। इस विमान को वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात इसकी मेजबानी करेगा, बी आपका आंसर हो जाएगा।
गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया हुआ है? पंचकुला हरियाणा में किया हुआ है। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और ऊबर कप 2022 कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। विश्व UFO दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 जुलाई को मनाया गया है। प्रतिष्ठित श्रोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल पूनावाला को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 2 जुलाई को मनाया गया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई ने जारी की है। चलते हैं फ्रेंड्स पिछले 4 जून के करंट अफेयर्स की तरफ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सिंगहुआ विश्वविद्यालय चीन यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 जून को मनाया गया है। किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? काइनस्विच कोवेर में किया है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? जेवियर ओलिवन को नियुक्त किया है। किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने यह खिताब जीता है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने किया है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्र ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हरेनी लोगन ने यह प्रतियोगिता जीती है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की जीके की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। अखिल भारतीय कालिक छात्र सम्मेलन 1912 का क्या नारा था? चरका स्वराज पहले और शिक्षा के बाद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र तक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों जिलों में विभाजित किया था? 47 में। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।